हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जमाल हेयर, इग्नो काउंसिलर कोलकाता। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एक टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस। ठीक है, तो पहले ये फीचर्स नहीं थे इग्नो में, अभी ये चीज़ बहुत अच्छा कर दिया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट जमा किया है वो सारे स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और ये सारे स्टेटस उनके जो रीजनल सेंटर हैं उनकी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। तो जो लास्ट स्टडी ये स्टेटस हम देख पाएंगे बिल्कुल, जो लास्ट दिसंबर सेशन में जिन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है ना, वो लोग अपना स्टेटस देख पाएंगे। पहले ये फीचर्स नहीं था, बट अब ये चीज़ें डाल दी गई हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपग्रेड की जा रही हैं, और ये चीज़ तो बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उस पहले स्टूडेंट्स का असाइनमेंट क्या होता था, मिसप्लेस हो जाता था, उनका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहता था। तो जो रीजनल सेंटर होता था वो बोलता था कि भाई स्टडी सेंटर ने भेजा ही नहीं, स्टडी सेंटर बोलता था कि मैंने तो भेज दिया रीजनल सेंटर में। तो इस बीच में स्टूडेंट्स का ही सारा परेशानी होता था, स्टूडेंट का ही लॉस होता था। बट अभी क्या है, ये अब जो है आप अपना सबमिशन स्टेटस देख पाओगे कि भाई आपका जो सबमिट हुआ है वो कितने बजे हुआ है, सबमिट हुआ भी है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे। तो बेसिकली आप अपने जो रीजनल सेंटर में चले जाओ, आप डायरेक्टली अगर आपको रीजनल सेंटर का वेबसाइट पता है तो वहां चले जाइए, और अगर नहीं पता तो मेन साइट से आप यहां पे चले जाइए रीजनल सेंटर्स और रीजनल सेंटर्स के वेबसाइट पे। यहां पे जितने भी रीजनल सेंटर्स है वहां आपको मिल जाएंगे। बेसिकली कोलकाता का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे उनका कोड भी दिया रहता है, ये जो 28 है ये कोलकाता का रीजनल सेंटर कोड है। ठीक है, कोलकाता में चले जाइए तो ये आपको कोलकाता के मेन पेज में लेके चला जाएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल नीचे आ जाइएगा न्यूज़ एंड इवेंट्स में, यहाँ देखिए दिसंबर 2021 ऑनलाइन असाइनमेंट रिसिप्ट। ठीक है ना, यहाँ देखिए ऑनलाइन असाइनमेंट रिसिप्ट। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, नो मोर पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको दिखाएगा क्या, एक चीज़ देखिए, ये 24 जनवरी को ये चीज़ें अपडेट की गई हैं, है ना, ये चीज़ें जो अपडेट की गई हैं वेबसाइट पे वो 24 जनवरी को अपडेट की गई है। अब ये फाइल मैं डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर चीज़ें हैं क्या। देखिए तो यहाँ पे अब सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि सबसे पहले तो टाइम स्टैम्प दे रहा है कि किस टाइम स्टैम्प में, टाइम स्टैम्प अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हो, आईटी के स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, और जिन्हें नहीं पता वो मैं बता दें, टाइम स्टैम्प सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम का। तो यहाँ पे डेट, टाइम, आवर, मिनट, सेकेंड, सब सारी चीज़ें दी होती हैं। इनरोलमेंट नंबर देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें मिसिंग है, ये अब यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर जिन्होंने एंट्री किया उसकी गलती है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे जल्दी में गलतियां करते हैं, बट वी डोंट नो किसी ने तो मिस्टेक किया है ना। देखिए यहाँ पे ये बहुत पुअर स्टाइल है, किसी ने 1 2 2 2 2 दे दिया है, यहाँ पे मिस्टेक है। कुछ स्टैंडर्ड्स जो इनरोलमेंट नंबर वो यहीं से चीज़ें दिख रही हैं, क्या यहाँ से प्रॉपर सही से उन्होंने इनरोलमेंट नंबर दिया है। अब सोचिए चीज़ें जब विजिबल हैं, इतना पार्शियल विजिबल है, तब आपको चीज़ें कितना गलतियाँ पकड़ में आ रही। अब सोचिए जब आप ऑफलाइन जमा करते थे असाइनमेंट्स, तब चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाती थी। आज भी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका असाइनमेंट का कोई खबर नहीं, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में असाइनमेंट दिया, अभी तक असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ। तो खैर मैं उसके ऊपर अलग से बताऊंगा आपको कि जिनका असाइनमेंट मिसिंग हो गया है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का, उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो अभी ये स्टेप आप देख लो, और यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड करके आप अपना नाम सर्च कर लो, नाम या एनरोलमेंट नंबर देके आप सर्च कर लो, आपको स्टेटस पता चल जाए कि भाई सक्सेसफुली उन्होंने रिसीव किया है या नहीं किया। नहीं किया तो आप काइंडली अपने रीजनल सेंटर में दोबारा कॉन्टैक्ट कीजिए इस फाइल के साथ, और अगर सबमिट हो गया है तो बस आप रिलैक्स रहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।